हम लोग भैरव बाबा मंदिर गए दर्शन करने, फिर वहाँ से हम लोग लौट रहे थे थोड़ा आगे आकर हम लोग रुके 2 मिनट के लिए पत्ती खाट में। फिर हम लोग क्या किए, मतलब आए गुंडे, पहला एक गुंडा आया, फिर हम लोग भागने की कोशिश किए तो नहीं भाग पाए, फिर 4 गुंडे सामने से आ गए, फिर मारने लगे, फिर हम लोग मतलब पूछे कि क्यों मार रहे हैं, हम लोग उनसे बोले कि आप क्यों मार रहे हैं, फिर वो क्या बोले कि मतलब मारे हम लोगों को, फिर जान से मारने की धमकी दे रहे थे उसमें से। फिर वो बता रहा था, हम मीडिया प्रभारी की लड़का आहन, फिर वो बोला कि तू पुलिस को चाहे जा कर ले, पुलिस हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। फिर हम लोग बोले हम लोग को छोड़ दीजिए, हम लोग पति पत्नी है, तो अभी हम लोग के साथ गलत कर रहे थे, उसमें से हम लोग चिल्लाने की कोशिश किए तो हम लोग मतलब कांच की बोतल बता रहे थे कि जो चिल्लावे तो जान से मार दे, जान से मारने की धमकी दे रहे थे। आपके साथ अलग अलग सब लोग दुष्कर्म किए हैं कि अलग अलग किए हैं? एक साथ नहीं। कितने लोग थे आपके साथ? हम लोग हमारे साथ 5 लोग थे। और गलत कितने लोगों ने? 5 ही लोग किए हैं गलत, वीडियो भी बना रहे थे हम लोग की। और कुछ भी धमकी दे रहे थे कि किसी के पास जाओगे तो ये करेंगे? और धमकी दे रहे थे कि पुलिस के लगे चाहे चले जाए, चाहे कलेक्टर के लगे चले जा, हमको कहना पुलिस हमारा कुछ न कर पाई। और ऐसा भी कुछ हमने बोला कि पर डे हमारा ये काम है? हाँ, बोल रहे थे कि हमारा यही रोज का धंधा, हम लोग यही प्लान में ही रहते हैं 8-10 लोग। तो आपने जान बचाने की कोशिश की, तो फिर उसके आगे क्या हुआ? हम जान बचाने की हम लोग कोशिश भागने की कोशिश कर रहे थे, तो हम लोग मतलब बाइक और की चाबी फोन सब छुड़ा लिया गया, फिर मार पीट भी किया हम लोगों के साथ। फिर आपका फोन दोबारा लौटाया गया क्या? फिर मेरे पति को मेरा फोन नहीं दिया गया, फिर हम मेरे पति जाते थे फोन लेने तो उन्हें पत्थर से मार रहे थे उनके। थाना गुड़ में जो रेप का घटनाक्रम हुआ था, उसमें पुलिस ने सभी आरोपियों को हिरासत में लेने में सफलता प्राप्त की है, और अभी सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, और जिससे कि पूरे घटनाक्रम जो है उसके बारे में विस्तृत जानकारी एकत्रित की जा सके, किसका क्या रोल था, कैसे पूरी घटनाक्रम हुआ है, उसके बारे में पूछताछ की जा रही है और विवेचना में शामिल किया जाएगा, और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हेतु विवेचना शीघ्र कम्प्लीट करके चालान न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा।